नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हाथरस सिकंदरा राव विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी दानी ठाकुर अवधेश सिंह ने सभी प्रत्याशियों के दांत खट्टे कर दिए हैं। विधानसभा क्षेत्र की जनता का उनको भरपूर प्यार और दुलार के साथ मिल रहे हैं। अपार जन समर्थन के कारण उनकी जीत के क्षेत्र में जनता सुनिश्चित मानकर चलने लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रबल दावेदारी को दर्शाने के लिए चोटी का जोर लगा रखा है, मगर हाथरस जनपद की तीनों सीटें सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की विधिवत घोषणा बसपा ने करके सबको चौंका दिया। सिकंदरा राव क्षेत्र से ठाकुर अवधेश सिंह की घोषणा होने के बाद अन्य पार्टियों में खलबली मच गई, क्योंकि अवधेश सिंह का इस क्षेत्र में अच्छा खासा महत्व है। उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने लोगों की जितनी मदद की है वो अपने निजी पैसों से की है। सैकड़ों गरीब कन्याओं की शादी अपने पैसों से करा कर उनके हाथ पीले करा कर उनके पिता होने का गौरव हासिल है। इस संबंध क्षेत्र के गांव कानू यतेंद्र पल सिंह, शेरपाल सिंह, बनबरीपुर सुधीर सिंह, कैलाश सिंह, करारमई से शैलेंद्र सिंह, कतारपुर से महेश रामकुमार आदि दर्जनों लोगों से बात करने पर उन्होंने ठाकुर अवधेश सिंह की जीत को 100% सुनिश्चित बताया। क्षेत्र की जनता ठाकुर अवधेश सिंह को अन्य प्रत्याशियों से बहुत आगे मानकर चल रहे हैं। काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, खिराजे की पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की कई कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी, पूर्व सांसद, करोड़ों कमजोर मजलूम, बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना